हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रहस्यमय जगह के बारे में जहां एक घंटे में हजारों बार आसमानी बिजली चमकती है, और जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। विज्ञान आज भले ही कितनी भी तरक्की कर चुका है, लेकिन धरती पर आज भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां का रहस्य सुलझाने में वैज्ञानिक भी नाकाम रहे हैं। ऐसी ही एक जगह दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में भी है, जहां एक झील के ऊपर हर वक्त बिजली कड़कती रहती है, लेकिन इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। ये तो आपने सुना ही होगा कि आसमान में बिजली एक जगह पर दो बार कभी नहीं चमकती, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जगह पर एक घंटे में हजारों बार बिजली चमकती है। दुनिया को हैरान कर देने वाले इस रहस्य को बीकन ऑफ मैराकाइबो कहा जाता है। इसके और भी कई नाम है, जैसे कैटाटुम्बो लाइटनिंग, एवरलास्टिंग स्टॉर्म, ड्रामेटिक रोल ऑफ थंडर। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला में कैटाटुम्बो नदी जिस जगह पर मैराकाइबो झील में मिलती है, वहां साल में 260 दिन तूफानी होते हैं। इन 260 दिनों की तूफानी रातों में यहां रात भर बिजली चमकती रहती है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि मैराकाइबो झील का नाम सबसे ज्यादा बिजली चमकने वाले स्थान के तौर पर गिनीज बुक में भी दर्ज है। सर्दियों के मौसम में तो कम, लेकिन बरसात के मौसम में यहां खूब बिजली चमकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मौसम में यहां हर मिनट 28 बार बिजली चमकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आसमानी बिजली की चमक इतनी ज्यादा होती है कि इसे 400 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। इस इलाके में इतनी बिजली क्यों चमकती है, इसके बारे में जानने के लिए विशेषज्ञ सालों से लगे हुए हैं। 1960 के दशक में ऐसा माना गया था कि इस इलाके में यूरेनियम की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ आकाश में बिजली ज्यादा चमकती है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक शोध की थी जिसके मुताबिक झील के पास के तेल के क्षेत्रों में मीथेन की ज्यादा मात्रा होने के चलते आकाश में बिजली ज्यादा चमकती है। हालांकि यूरेनियम और मीथेन वाला सिद्धांत प्रामाणिक तौर पर साबित नहीं हो सका, इसलिए ये जगह अब भी रहस्य ही बनी हुई है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप जानते हैं इस घटना के पीछे का रहस्य या कारण, प्लीज कमेंट में बताइए। और चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। सो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।